हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि जो बच्चे नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मैं लेके आई हूँ, प्लस उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे घबराए हुए हैं कि भैया हमारा तो जो है वो इतने सालों का गैप हो गया है, तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं और हम कैसे नेट का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस फ्रेशर भी, तो सभी के लिए क्लास जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि भैया हम अब की बार भरे और अब की बार में ही एग्जाम को पार लगा दे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर है कि इतने साल का गैप है और लेक्चरशिप के लिए एग्जाम है, यानी कॉलेज में पढ़ाने वाला एग्जाम है, लेवल जो है थोड़ा टफ आने वाला है, तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने, क्लास शायद आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जो है घबराना नहीं, यानी कि जुड़े रहना लास्ट तक, ताकि जो आपको एक एक पॉइंट सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब कहते हैं कि जब खुद के साथ बीतती है तभी समझ में आता है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मैंने जो है खुद 3 साल के गैप के बाद जो है नेट का एग्जाम क्लियर किया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे शायद आपको थोड़ा सा जो है इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ गैप के बाद भी हम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी मैं आपको वीडियोज में बताती हूँ कि जब मेरा फाइनल ईयर था उस टाइम पे मेरे भाई जो है एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद जो है क्योंकि हमारे घर में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जैसे बड़े वाले भाई के बच्चे या फिर छोटे वाले भाई के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो उसके बाद जो है और बड़े वाली भाभी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो पूरे भाई के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। देन मैंने सोचा था कि जो है मैं कपड़े की दुकान करूंगी। ठीक है, तो MCA मेरा हुआ था उस टाइम पे, अगस्त में अब जो है हुआ था, सितंबर में ये हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैंने अपनी मम्मी से बोला नवंबर में कि भाई मुझे तो दुकान करनी है, तो मेरी मम्मी ने सुनते ही मतलब मुझे लगा दिया था, मतलब इतनी बड़ी कि मास्टर्स करने के बाद मैंने थप्पड़ खाया हुआ अपनी मम्मी से, तो मेरी मम्मी का यही डायलॉग था कि भाई अगर ये दुकान वाले तो जो है 10वीं 12वीं वाले करते हैं, इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद तो क्या दुकान करेगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे तो दुकान ही करनी है। ठीक है, तो मैं जो है हम गांव में थे उस टाइम पे जब भाई वो हुए, तो मैं मेरे भाई जो है जो जॉब करते हैं वो भिवाड़ी रहते हैं, तो मैं उनके पास आ गई थी। ठीक है, तो मैं अपनी बहन, मेरी बहन गुड़गांव है, तो मैं उनके पास भी चली गई थी, तो उनके पास गई तो मैंने अपनी बहन को कन्विंस करके जैसे तैसे, पैसे भी नहीं थे तो वो मांग मांग के उधार उधार से जैसे तैसे जो है हम सामान लेके आए। मुझे कोई आइडिया नहीं था, किसी ने बस मुझे नाम बताया कि यहाँ से लेके आना है वहां से, क्योंकि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड था वो किसी का भी जो है इस टाइप का था ही नहीं। ठीक है, तो ये करने के बाद जो है मतलब ले दे के ये सारी कहानी होने के बाद जो है फरवरी में ही जो है, सितंबर में भाई हुए, फरवरी में जो है 7 फरवरी को मैंने शॉप शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है फरवरी के उसके बाद जो है 2-3 साल बाद जो है मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जो है उसके बाद उस टाइम के उस ड्यूरिंग द टाइम जो था वो मैंने वो अपना पूरा जो है ध्यान गारमेंट्स पे लगा रखा था कि रेडीमेड गारमेंट कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से दुकान को चलाना है, क्या करना है, कहाँ पे सस्ता माल मिलता है, तो मैं जो है यूट्यूब पे भी यही वीडियोस देखती रहती थी, कहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं, कहाँ ये है, कहाँ वो है, ये ज्वेलरी वो ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें, तो मतलब पूरा जो माइंड था वो जो है स्टडी से हट के पूरा का पूरा जो है वो इन चीज़ों में घुस गया था। लड़के को तो वैसे भी इन चीज़ों में ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही शादी हुई उसके बाद जो है मुझे लगा कि भैया जॉबलेस हो गई हूँ, क्योंकि वो दुकान जो है मैंने अपनी बड़े वाली भाभी को संभलवा दी थी, आज वो अच्छा खासा वहां से काम कर रही है, तो मुझे खुशी है उस चीज की। ठीक है, तो उसके बाद जो है शादी होते ही मुझे लगा कि भैया मैं तो जॉबलेस हो गई हूँ, क्योंकि शॉप में तो डेली जो है इनकम हो रही थी, लेकिन जो है अब मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे जो है उससे पहले मेरा नेट जो है एस्टेट वगैरह और एस्टेट का जो स्क्रीनिंग वगैरह था वो सब क्वालिफाई हो गया था, लेकिन वही है कि नहीं हो पाया, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो फिर जो है मैंने 2018 में शादी हुई, तो 2018 में दिसंबर वाला जो है मैंने नेट का एग्जाम दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे आप मेरी हालत सोच सकते होंगे, क्योंकि मैं जो है फोन में सिर्फ एक ही चीज देखती थी, वो थी कपड़ों की वीडियो, कपड़े जो है यहाँ सस्ते मिल रहे हैं, उस मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ से ऐसा मिल रहा है, ज्वेलरी वहां से ऐसे मिल रही है, तो ले देखे कहानी ये थी कि भैया किताबों में तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता था,
यूट्यूब खोल के भी पढ़ती थी तो बस सिर्फ और सिर्फ जो है यही सारी वीडियोस दिखती थी, क्योंकि मैं देखती यही थी तो यही वाली वीडियोस रिकमेंड में आती थी। ठीक है, अब इन सारी चीजों से हटके पढ़ना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, लेकिन मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि भैया आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पढ़ाई को वेस्ट नहीं जाने दूंगी, जो आपने इतना पैसा लगाया है मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। पर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करना है। ठीक है, तो अब मैंने किस तरीके से स्ट्रेटेजी स्टार्ट की वो हम मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ये मैंने आपको इस तरीके इसलिए बताया ताकि जिन बच्चों को ये है ना कि भैया हमारा तो गैप हो चुका है, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा या हम तो नहीं कर सकते, वो उन लोगों के लिए है। क्योंकि मेरा देखो ना, मेरा तो पूरा ही कैरियर जो है अपोजिट हो गया था, एक पढ़ाई से और कपड़े का बिल्कुल अपोजिट कैरियर है, लेकिन फिर भी जो है वहां से जो है मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो कोई भी कर सकता है और आसानी से कर सकता है, और नेट का एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपको 80% 90% मार्क्स लेने, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके 60% नंबर भी आते हैं ना तो आप जो है कंफर्म हो, आप श्योर हो कि भैया आपका जो है नेट या GRF कंफर्म है कि हो जाएगा। पूरी जो है सेफ स्कोर कट ऑफ क्या क्या रहता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बस जो है क्लास के साथ बने रहिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बेसिक जो चीजें, जो मेन हमारा पॉइंट है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ से आपको कहानी समझ में आई होगी कि भैया बिल्कुल अपोजिट जगह से उठना और फिर करना एक बहुत ही बड़ी बात है, और आप जो है आराम से कर सकते हो, चाहे आप किसी भी चीज में घुसे हुए हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप डेफिनेटली जो है अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो आप करके रहोगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये तो आप सभी को पता है कि दो पेपर होते हैं 180 मिनट, 3 घंटे का टाइम मिलता है जो कि आपका लगातार रहता है, कंटिन्यू जो है 3 घंटे आपको मिलेंगे नेट के पेपर के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, मिनिमम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो मिनिमम जो है 40% जनरल कैटेगरी हो या फिर जो है आपकी OBC, बाकी जो है जनरल के लिए 40 और बाकी के लिए 35। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि भाई इतना तो आपको लेना ही है। अगर पेपर 1 में 39 भी आए और पेपर 2 में आपने जो है टॉप भी कर लिया तो भी जो है नहीं होगा, तो मतलब 40% तो आपको लेना है, उसके बाद जो है आपको आगे इंक्रीज करना है। ठीक है, अब जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पता अगर जो है UGC नेट का ये भी नहीं पता उनके लिए भी, मतलब वो जो है मैं शॉर्टी के साथ कह रही हूँ कि भैया आप लोग जो है मई और जून में पेपर है तो अगर आपने आज से भी पढ़ाई शुरू की है तो एग्जाम को निकाल लोगे, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं कि इसमें कुछ है भी कि एग्जाम को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन रहता है आपका 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 100 नंबर और टाइम रहता है 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें पेपर 2 में तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 नंबर का ये हो गया, टाइम हो गया आपको 120 मिनट, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं और 60 मिनट में 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइम है एक तरीके से। ठीक है, अब पेपर 1 में दिक्कत ये आती है, पेपर 1 में दिक्कत ये आती है कि आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको टाइम लगता है, जैसे DI डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलवाएंगे। क्योंकि अगर आपका DI पूरा बन गया तो 10 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे DI में से, और जो है अगर आपका पूरा DI एक बार बन गया तो 10 नंबर हो गए। फिर कॉम्प्रिहेंशन एक बार आपका पूरा हो गया तो 10 नंबर यहाँ से हो गए। रीजनिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो 10 नंबर आपके ये हो गए एप्टीट्यूड। ठीक है, तो लेने के बाद ये है कि भैया जो है 5, 10, 15, 20 तो 40 नंबर आपका यहाँ से जो है आप स्कोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आपने इन चीजों की प्रैक्टिस कर ली तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब काफी अच्छा है ये DI की प्रैक्टिस करो, आज से ही कंटिन्यू जो है 30 से 40 DI लगा डालो, एग्जाम तक अच्छा खासा पूरा का पूरा 10 के 10 स्कोर करोगे। रीजनिंग का भी यही हाल है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन आ गया, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और जो है और टॉपिक, तो इनको भी जो है आपके टोटल जो है आपकी 10 यूनिट रहती है और हर एक यूनिट में से आप ये मानो कि 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो रिसर्च जो है आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सारे जो है आपके जो है टॉपिक्स रहते हैं। तो बाकी के ये तो 20 नंबर का हो गया, बाकी के आपके जो है 30 क्वेश्चन और रहेंगे, तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट्स और रहते हैं आपके
तो चार सब्जेक्ट ये हो गए, तो इस तरीके से 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से हर एक में से 5-5 नंबर का आएगा। तो लेने के बाद ये है भैया, जो चीजें आपको कंफर्म है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, तो आज से क्यों नहीं तैयारी कर लेते, डेली जो है आधा घंटा डीआई को दो, आपके 10 नंबर श्योर करवा देगा, ठीक है, ऐसे ही 10 ना जो है रीजनिंग को दो। तो भाई इस तरीके से अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे जो है पेपर 1 को देते हो, और जो है 2.5 से 3 घंटे अगर पेपर 2 को देते हो, तो आराम से जो है आप निकाल लोगे नेट या जेआरएफ, ठीक है। अब बात करो पेपर 2 में जो है पूरी की पूरी कोशिश करो कि 50 में से 35 या 40 मार्क्स आपके आने चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, तो 10 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। डीआई रीजनिंग सभी का अच्छा होता है, तो मतलब लेने के बाद ये है कि 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपने काफी अच्छे से कम्युनिकेशन में आपको समझना है, टीचिंग एप्टीट्यूड किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद जो है ये जो आपने डायरेक्ट चीजें कर ली, जो मतलब उन चीजों को हिट करो जहां से आप स्कोर कर ही सकते हो, जहां से आप स्कोर नहीं कर सकते उनको उठाओ ही मत करो, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट में जो बचता है वो तुक्का लगा देना, लास्ट में जो बचेगा वो तुक्का लगा देना, क्योंकि ठीक हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं ठीक हुआ तो आपका क्या जाता है, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, और फिर भी जो है बच्चों के अब पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 में जो है 100 में से टारगेट करो 60 क्वेश्चन का, कि भाई ज्यादा नहीं 60% मुझे यहाँ पर लेकर आने हैं, ठीक है। अगर आपने ये टारगेट कर लिया कि 60 क्वेश्चन यहाँ पे, 35 क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, और सिलेक्शन भी होगा तो जीआरएफ में होगा। ये मैं यहाँ पर आपको जो है लिख के दे रही हूँ, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया कि 60 क्वेश्चन आपके यहाँ ठीक हो जाए और 35-40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ठीक हो जाए, तो आराम से पेपर 1 बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आप इजिली जो है वहां पर स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात या कोई बड़ी माया नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। पेपर 1 में मैंने भी अच्छा खासा स्कोर किया था, और मुझे पेपर 1 काफी आसान और काफी इजी लगता है। अगर आप जो है लास्ट के 20 से 25 दिन भी पेपर 1 को दो, तो आप आराम से जो है स्कोर कर लोगे, और अपने पेपर 2 के जो है जो भी आपके यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लो, अपना जो है एक एक सब्जेक्ट को उठा के कर लो। देखो भाई 10 यूनिट आपके यहाँ से है, 10 यूनिट आपके पेपर 2 में है, 10 यूनिट आपके पेपर 1 में है, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि भैया मैं इस सब्जेक्ट में से मार खाने ही नहीं वाला, तो 5 से 6 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लो, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कर लो कि उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, ठीक है। एक से डेढ़ महीना है, तो आप ये तैयारी करो, आप ये मत करो 10 की 10 यूनिट मुझे तो उखाड़नी है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना भैया, कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। आप 200 नंबर का टारगेट कर लो 300 में से, तो जेआरएफ आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही मिल जाएगा, आपको जो है अगर आप अदर कैटेगरी में हो तो फिर आपको और भी आसानी से जेआरएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैडम तो, लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ कि अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे, एक बार चीजों को उठाना शुरू करोगे ना, आपको सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ, क्योंकि इतना मुश्किल कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लेने के बाद ये है कि जो आपके प्रैक्टिकल जो आपके क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करने उनके प्रैक्टिस करो पेपर 1 में, ताकि जो है आपकी स्पीड अच्छी हो सके, क्योंकि पेपर 1 में बच्चे मार इसलिए खाते हैं क्योंकि भाई वो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में टाइम लगा देते हैं, पेपर जो है टाइम एकदम से चला जाता है, डीआई को करने में टाइम लगा देते हैं, टाइम एकदम से चला जाता है, तो ये जाता है, ये आता है आपको प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस। 1 महीना है, 30 दिन है, डेली प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है, 2 घंटे दो ना यहाँ पे, और दो घंटे यहाँ पे दो, 4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दे लो, मतलब आपको लग रहा है कि भैया नहीं मेरा नहीं हो रहा है, तो 5 घंटे दे लो, 4 घंटे दे लो, 1 घंटा रिवीजन के लिए रखो, मतलब रिवीजन तो आपको आज से ही शुरू करनी है, मतलब पढ़ाई तो आपको शुरू करनी है, लेकिन रिवीजन भी साथ के साथ शुरू करनी है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना है आपके पास, तो रिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बाई चांस अगर गलत भी हो जाता है, लेकिन पूरी पूरी कोशिश करो कि भैया 6 से 7 सब्जेक्ट यहाँ पे अच्छे कर लो और 7 से 8 सब्जेक्ट यहाँ पे अच्छे कर लो, बहुत अच्छे, ठीक है। और बाकी जो है बाकी तो लक भी चलता है, और प्लस जो है जो आप तुक्के लगा के आओगे और कोई मेरिट में या कुछ ऐसा तो आपको करना है नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करूँ, सेफ स्कोर जो अभी तक आपका लास्ट जो अभी तक जो आपके एग्जाम हुए सभी का एनालिसिस करने के बाद जो मैंने यहाँ पर आपका सेफ स्कोर निकाला है वो क्या है वो देख लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का और ये है आपका जीआरएफ का, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देख लेना
कैटेगरी यहाँ पर जनरल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 52 to 55%, तो आप मान लो कि भाई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन हो गया, ये इतनी ही जाती है, ठीक है। उसके बाद जेआरएफ के लिए मानो कि अगर आपके 60 से 65% आ रहे हैं, तो आप मान लो कि आपका जनरल कैटेगरी में 65% आ जाते हैं, तो मान लो कि आपका जेआरएफ, मान लो कि आपका हो जाएगा जेआरएफ, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है, वो हो जाता है आपका 45% to 50%। 45 to 50% में आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाता है, 1-2% ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जेआरएफ की बात करूं, तो 52 से लेके 60% तक आपका जेआरएफ कंफर्म है, तो यानी कि 180 मार्क्स ले आते हो तो बोल देना कि आपका जेआरएफ है, और यहाँ पे 200 मार्क्स आ जाएंगे तो आपका जेआरएफ है, ठीक है, 300 में से। अब जो है एससी एसटी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में अगर आपके जो है 44 to 48% आ जाते हैं, तो आपका जेआरएफ कंफर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर उसकी बात करें तो 52 to 60%, वही 60% तक आपको लेने हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 55 आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आप लेके चलो, क्योंकि थोड़ा सा अब जो है जगह नहीं है एससी कैटेगरी, और यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। एससी और देख लो, एसटी कैटेगरी और देख लो। एसटी कैटेगरी में जो है आपका आ जाएगा 44 to 47%, ठीक है। और अगर जेआरएफ की बात करें तो 50 से 54%, ठीक है। अब एक कैटेगरी और बच गई है आपकी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर जो है आपका 45 to 49% में आपका हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही उसकी बात करें तो आपका हो जाएगा भाई 56 to 62%, ठीक है। तो ये जो है आप मान के चलो, अगर आप इतना इतना स्कोर कर लेते हो, तो आपका जो है नेट जेआरएफ आराम से हो जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग में भी जो है 60-65% वाले जो है बच्चे लेते हैं, और आपकी तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं कि भैया हुआ बना रखा है कि बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर ना चाहो तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हो, ठीक है। तो आई होप आपको इससे जो है थोड़ा सा इंस्पिरेशन होके जो है आप आज से ही नेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। अगर कर देंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो है नेट की प्रिपरेशन शुरू करनी है, कंप्यूटर पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम कंप्यूटर पढ़ा दो, तो कमेंट कर देना, ताकि उसी कमेंट के बेसिस पे ही अपन लोग कंप्यूटर की क्लासेस लेकर आएंगे। समझ में आया, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस लेके आएंगे, क्रैश कोर्स लेके आएंगे, और ऐसा क्रैश कोर्स लेके आऊंगे कि भाई आराम से जो है नेट निकाल दोगे, ठीक है। जेआरएफ भी निकल जाएगा, लेकिन नेट की तो पूरी पूरी है कि भाई हो जाएगा 30 दिन की क्लासेस में, ठीक है। तो एक कमेंट सेक्शन आपके लिए कि भैया कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए, प्लस क्लास कैसी लगी, मोटिवेशन मतलब इंस्पिरेशन मिला या नहीं मिला, या फिर थोड़ा सा जुनून जागा कि नहीं जागा, हमें तो करना है, हम कर देंगे, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि बाकी बच्चे भी चैनल पर आए और जो है चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।